भगवन मोय न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत ही पर तुमसे दाता ना। आदरणी समस्त श्रोतागण, आज हम कल्याणी के सिट के माध्यम से एक पत्रता का आख्यान लेकर के चल रहे हैं। किस तरह सावित्री ने अपने मरे हुए पति को दोबारा जीवन दिलाया, ये कहानी कल्याणी कैसेट के माध्यम से सुनाने के लिए जा रहा हूं। दोमत सेन रहते जहां बो था साली अवधेश, उनके कुमार की कथा को अब गाय के कहे विशेष। साली अवधेश मुकाम धुमत सेन नाम बड़ो है तपधारी, और सेव्या नाम की नारी रे पति वीरता प्राणन प्यारी। बहुत ही अच्छे राजा हैं महाराज धुमतसेन, और इनकी प्राण प्यारी का नाम है सेव्या। साली अवदेश मुकाम धुमतसेन नाम बड़ो है तपधारी, बड़ो तपधारी। सेव्या नाम की नारी रे पतिवीरता प्राणन प्यारी। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, सुनो सवा के भात नार के साथ मगन दिल भारी, मगन दिल भारी। राजा की करत बढ़ाई सब नर नारी, राजा की करत बढ़ाई सब नर नारी। बेटे दोस्तों, महाराज धुमतसेन के घर में सेव्या नाम की रानी थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सेव्या नाम की स्त्री के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा हुआ आंगन में किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही नहीं भैया, अरे राजा की प्राणन प्यारी रे, अरे महलन की घरबारी। राजा की प्राणन प्यारी रे दुत महलन की घरबारी, और बाके गर्भ से पैदा रे, बाके गर्भ से पैदा रे भौ एक अवतारी। महाराज भूबल टवाई रहो निज दान, और ब्राह्मण ने बेटा को रख दो सत्यवान शुभ नाम। वीरन होनी है बलवान कर्मगत टारे नाए टरे, जगवीर होनी है बलवान कर्मगत टारे नाए टरे। एक टारे नाए टरे कर्मगत टारे नाए टरे रे कर्मगत टारे नाए टरे। वीरन होनी है बलवान कर्मगत टारे नाए टरे।
राजा के घर में जब बालक ने जन्म लिया बड़ा ही खुशी है, राजा रानी दोनों खुश हैं। ऐसा ही नहीं, राजा रानी ही नहीं, प्रजा के हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी का वातावरण छा रहा है। और एक बात बताएं भाई एलानी, अरे खुश है घर में तारी, अरे खुश है घर में तारी, और दीनो है पलिंगा डारी, अरे लो लिटाई तुरत यो तारी, आई रही दिन बधाई नारी, भक्तो महाराज के घर में जब बालक ने जन्म लिया बधाई देने के लिए जब स्त्रियां घर में आ रही हैं, आंगन में वक्त जब अच्छी तरीका से गुजरने लगा, महाराज और उनकी रानी सेव्या आंगन में दोनों प्रसन्न हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए दोनों के चेहरा बड़े खुश हैं। और एक बात बताएं भैया के राजा दिल में मगन और खुशी दिल रानी है रे भारी रे खुशी दिल, रानी है भारी घर में ना कोई कुमर गोद में एक तारी, बड़े खुश। अरे खुशी पर जाके नर नारी, और धीरे धीरे सियानो भौजब बेटा बलकारी, आंगन में बहुत खुश है राजा रानी। अरे समय अब सही गुजरता है, और 5 बरस को लला सभी के दिल को हरता है, अरे पेशना होनी से रे जाती रे पेशना होनी से जाती, और विधि को लिखो विधान बाय कोई मेट ना, तो यों ही वक्त गुजरता गया। रानी महाराज धूमत्सेन बड़े ही खुश हैं, लेकिन भक्तों समय का कोई पता नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए संपत और शरीर का पता नहीं, तकदीर का। याद रखना भक्तों, जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं, न हमेशा दुख रहता है न हमेशा सुख रहता है। महाराज धूमत्सेन बड़ी खुशी के साथ रानी सेव्या और अपने बच्चों के साथ रहने लगे हैं, लेकिन भक्तों परमात्मा की कुछ नजर बदल गई। क्या? के देखो प्रभु की प्रभुताई है,
राजा अंधे दए बनाई। ओ प्रभु की प्रभुताई है राजा अंधे दए बनाई। आज महाराज धूमत्सेन नेत्रहीन हो गए, अंधे हो गए। इत भूप गए और घबराई है तुम्हें, रहो विशेष बताई है। ध्यान रखना भक्तों, जिस वक्त महाराज धूमत्सेन नेत्रहीन हो गए उस समय सत्वान की उम्र बहुत कम थी। सैव्या ने जब अपने पति की दशा को देखा, दशा को निहार करके वो रानी सैव्या अपने पति को देख करके रोने लगी है। ये क्या हुआ तुम्हें? देखी पति की गति, अरे नारी जब बिलखी पड़ी तो बहराई रे। महाराज ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? और देख पति की गति, नार जब बिलखी पड़ी अब हैराई रे। और सोने सी काया को अब हर माटी में दो मिलाई रे। सुख पे पानी फिरो मुसीबत कैसी मो पे आई रे। धरती ने कपट जाइए अभागिन तो जाए समाई रे। आज अपने पति की दशा को निहार कर सैव्या रो रही है, महाराज नेत्रहीन हो गए। और जैसे ही नेत्रहीन हुए हैं वेद का लिखा हुआ विधान, और जब महाराज के दुश्मनों ने सुना कि महाराज अंधे हो गए तो क्या किया? अरे हो नहार सो हुई की रही है, अरे जो विधना ने लिखी लीला। अरे सुनी खबरिया उन बैरिन ने और तुरत ही भोज करी है तैयार। दुश्मनों ने धावा बोल दिया सेना को लेकर के, आधी रात पे धावा रे बोलो, अरे खोलो द्वार महल को जाई। और करी अधिकार लो है शासन पे, फिर राजा बंदी दो बनाई। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज जिस वक्त नेत्रहीन हो जाते हैं तो दुश्मनों ने फौज ला करके चढ़ाई कर दी।
चढ़ाई करके सारे शासन को छीन लिया और दुश्मनों ने एक बात कही, अब सारा शासन हमारा हो चुका है, तुम इस राज को छोड़ करके मर्जी हो जा सकते हो, मर्जी हो वहां जा सकते हो, चले जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, चले जाओ। उसी समय सैव्या रोने लगी। महाराज समझाने लगे, रानी रो नहीं। इतनी सुन के बात धैर्य के साथ कही जन बानी, महारानी अब महल छोड़ के चलो जंद महारानी। रानी सैव्या, राज दुश्मनों ने छीन लिया, यहां से निकल चलो, अपने प्राण बचाओ। इतनी सुन के बात धैर्य के साथ कही जन बानी, अब महल छोड़ के चलो जंद महारानी। आज रानी सैव्या, महाराज धूमसेन और बेटा सत्यवान को गोदी में ले लिया, महल को छोड़ करके चले हैं। मेरा विधि में लिखो लीला कराजी और पाठ तजी रजधानी, अब बन के बेकार ने गुजर करो मेरी रानी। बेटा गोदी मिलयो उठाई पकड़ अंगुरिया बलमय अपने की, छोड़ के महल तो चले सिधारी आगे आगे रानी जाए रही। भैया जे किस्मत के खेल हाय, विपत में विपत्ति विपत्ति में दीपिता, विपत में बैल कन्हा दे जाई घर को भैया बात न बूझे, रिश्तेदार पीठी दे जाई सोई भावई आज रानी पे। आज रानी ने क्या किया, धीरे धीरे डगरत जाई बन के बीच महारानी पहुंची, एक लइए झोंपड़ी वीरन। दोस्तों, रानी सैव्या अपने पति की उंगली पकड़ करके सत्यवान को गोद में लेकर जंगल में पहुंची। उस जंगल में जाकर के घास फूस से एक झोंपड़ी बनाई, झोंपड़ी बनाकर के उस जंगल में रहने लगे। क्या था विध का विधान, वो मां सैव्या क्या करती है, देखिए भक्तों। बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी वो बीन के लाती है, आज बेटा को जमीन सुला देती है माँ। महाराज तो अंधे थे, आज वो मैया सैव्या लकड़ी बीन करके गुजारा करने लगी। बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी बीन के लाती है, फिर उनको बीरन बेची बेची
फिर आटा शहर तिलाती है। सारे दिन मेहनत करी करकी फिर भोजन मात बनाती है। बेटा और पति को भोजन दे जो बच्चे बाद में खाती है। दोस्तों, महारानी भिखारियों की तरह से गुजर करने लगी। लकड़ी बेच करके आटा दाल ला करके पेट पालती है। जिस समय वह भक्त बन के बीच में गुजरने लगा तब तक सत्यवान बड़े हो जाते हैं। इधर भक्तों सत्यवान जब बड़े हो गए तो हुआ क्या है, अब दिन दिन सियानु भयो कुमरयो तारी। जब बेटा बड़ा हो गया तो अपनी मैया से बोला, माँ अब बैठो तुम आंगन में मात हमारी। महाराज ललानी लई कुल्हाड़ी आत, धीरे धीरे वक्त गुजर रो, कोई मित्र धैर्य के साथ। विपत्तिया थोड़े ही दिन की पातरिया काटे ते कट जाएगी। एक काटे ते कट जाएगी, अरे विशेष बाटे ते बट जाएगी। विपत्तिया थोड़े ही दिन की पातरिया काटे ते कट जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, धीरे धीरे सत्यवान बड़े हुए हैं तो उन्होंने जो अपनी माँ का काम था वो अपने हाथ से संभाल लिया। इधर तो सत्यवान अपनी मां का काम करते हैं और इधर प्रकाश डालते हैं। अशोपति की लाडली सावित्री सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुगढ़ थी चंद्र बदन निहारी। जो महाराज अशुपति थे उनकी बिटिया का नाम था सावित्री, और सावित्री बहुत सुंदर थी। कैसी थी, सुंदर रूप विशेष सामले केस छटा छवि प्यारी। बहुत सुंदर, देखन में बड़ी मलू करे उम्र की लड़कनी बारी। बहुत सुंदर चेहरा तो ऐसो रहे चंद्रमा जैसो है, और आंखें हिरनिया जैसी। आहा,
और नाक तोता उड़ जाए। आहा बड़ा सुंदर और सुंदर रूप विशेष खोल के कैसा छटा छवि छारी छटा छवि प्यारी देखन में बड़ी मलू करे उमर की बिटिया बारी ना घर में कोई कलेश सुनो दुर्वेश खुशी मेहतारी अरे मेहतारी सकियन संग खेलत खेल नजर जाकी न्यारी सकियन संग खेल खेल नजर है न्यारी बहुत सुंदर थी सावित्री। आज सावित्री आंगन में खेल रही है। भैया सावित्री देखने में तो बहुत खूबसूरत है, चंद्रमा की तरह से चेहरा दमक रहा है, और ऐसा ही नहीं आज महाराज अस्पति देखते हैं अपनी बिटिया को तो बड़ा खुश होते हैं, बहुत खुश। अरे खुश बेटी है अति मन में अरे खुश बेटी है रे अति मन में और जिया खेलती है रे महलन में एक दिन बैठी रे बीचरे भवन में भवन में भवन में गजब हुई हो भवन में और कछु चिंता बढ़ी गई मन में दोस्तों सावित्री को खेलते हुए जब उनकी माँ ने देखा तो दिल में विचार आया और सोचने लगी है अब तो मेरी सावित्री विवाह के योग हो चुकी है, उसके पीले हाथ करने चाहिए। ये सलाह मैं अपने पत से मिलाऊंगी। हे बांदी कहिए महारानी जू सुनो सुन ले मेरी बहन मान ले कहने सबानो जइयो मेरे राजा को टेर के महल में बांदी लइयो सबानो जइयो सबानो जइयो मेरे राजा को टेर के महल में बांधी लइयो मेरे राजा को टेर के महल में बांधी लइयो मेरा चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूपड़िंग जइयो तुम्हें रानी रही बुलाए रे भूपते कइयो तुम्हें रानी रही बुलाए रे भूपते कइयो जिस भक्त भक्तों बांदी ने महाराज अस्पति से जाकर के कहा कि तुम्हारी रानी तुम्हें बुला रही है महाराज ने जब ये वचन सुना कहा बांदी चली जाओ जाकर के कह देना महारानी से अभी हम कचहरी को बर्खास्त करके आ रहे हैं ठीक है महाराज। और जैसे ही भक्तों महाराज अपनी रानी के आंगन में पहुंचे हैं तो महारानी ने आता हुआ देखा महाराज को सुंदर आसन डाल दिया हाथ
हाथ जोड़ की महारानी ने महाराजा सिंह गिराय उचारी। महलन बीच में घूम रही है बिटिया मेरी अपारी। महारानी कहने लगी है, महाराज बिटिया मेरी क्वारी रे क्वारी, लाड़ो मेरी क्वारी। महलन बीच में घूम रही है बिटिया मेरी क्वारी। करो लली की प्रीतम रही है गिराय उचारी। शादी करो लली की प्रीतम रही है गिराय उचारी। क्वारी बेटी देख पिता को पाप लगती अति भारी। दोस्तों, महारानी हाथ जोड़ करके बोली, श्रीमान जवान लड़की घर में है, माँ बाप को देख करके अपराध लगता है, इसलिए तुम अपनी लड़की की शादी कर दो। इतनी बात सुनकर के महाराज कहने लगे हैं, रानी तुम्हें नहीं पता, शादी के बारे में बहुत दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन मुसीबत एक बात की है रानी। सुन रानी की बात, भूप ने सारी बात बताई है, और समान सावित्री के रानी दुनिया में बर कोई नहीं है। समान सावित्री के रानी दुनिया में बर कोई नहीं है। और बताएं रानी, सुंदर बर कहूं मिल जावे तो खाइबे को कछु नहीं है। धन दौलत माल खजानो है तो खाइबे को कछु नहीं है। अस्पति कहने लगे, रानी शादी के बारे में बहुत पहले विचार किया, लेकिन दुख एक बात का है, लड़का मिलता है तो घर नहीं मिलता, अगर घर मिलता है तो लड़का सुंदर नहीं मिलता। अरे तुम्हें नहीं पता रानी, सुंदर लड़की के लिए लड़का भी सुंदर होना जरूरी है। रानी हाँ। मेरा मतलब है अपनी लड़की से जाकर के कहो, वो जाकर के खुद ही अपना वर तलाश कर ले। आज दोस्तों सावित्री को बुलाकर के महाराज अस्पति ने अपनी बिटिया को गोदी में बिठा लिया। बोले हैं, बेटी इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, संकोच करने की कोई बात नहीं है, और एक बात कही, अरे गोद लइया बैठारी कहिए समझाए ललिया मेरी प्यारी। तुम रथ को ले सजबाई ना करियो तन कई बारी।
महाराज अस्पति कहने लगे, बिटिया सावित्री गोद लइया बैठार कई समझाई लली मेरी प्यारी, लली मेरी प्यारी तुम रथ को ले सजवाई री न करियो तन कयवारी। और सुनो, अरे ढूंढो कोई कुमर होए जो सुगर कुटुंब परिवारी, अरे ढूंढो कोई कुमर जो होए जो सुगर कुटुंब परिवारी। हम बाके संग तेरी देंगे रे लली भमरिया डारी, बाके संग तेरी देंगे रे लली भमरिया डारी। भक्तों, जब ये सावित्री के पिता ने सावित्री से बात कही कि तुम अपनी सहेलियों को ले जाओ रथ में बैठा कर, वो अपना जीवन साथी तलाश करो। आज दोस्तों इतने वचन सुने हैं सावित्री ने, आज रथ को सजवाया, संग की सहेलियों को तैयार किया और सावित्री जब चली है तो हुआ क्या? अरे फौरन सीना सजबाई, बहुत खुश है महाराज। अरे फौरन सीना सजबाई, अरे नई पल की देर लगाई, बाई पकड़ के लली बैठाई, ले सखियन को लली फिर धाई, ऐसा ही नहीं भैया राधे श्याम जी, आज वो सावित्री सहेलियों के पास में बैठी है रथ में, चारों तरफ अपने पति की तलाश के लिए निकली, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दिया कोई लड़का, तो आगे हुआ क्या? अरे घूमी देश विदेश परियना पे समिलो नंबर कोई, तब घूमत घूमत लली बनी में आई। एक बियाबान जंगल में आ गई सावित्री और जैसे ही आगे बढ़ के नजर बढ़ाई है तो क्या देखा? एक पेड़ पर चढ़ो नजर जब पड़ो लला दिखलाई, फिर रथ को लयो रुकबाई लली उठी धाई, आय रथ को लयो रुकबाई लली उठी धाई। नौजवान साथियों, जिस वक्त सावित्री घूमती घूमती एक जंगल में पहुंची और जब जंगल में पहुंची है तो क्या देखा? जो सत्यवान थे वो लकड़ियों को काट काट करके जमीन पर गिरा रहे हैं। आज रथ से उतर करके वो सावित्री सत्यवान की तरफ बढ़ी है जब, तो मन में सोचती जा रही है, परमेश्वर देखने में तो बहुत सुंदर है, और ये क्या सोच रही है? हे भगवान होय छत्री सुत, हाँ तो पति इन्हें बनाऊंगी, सेवा करू मैं तन मन धन से पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। अगर ये क्षत्रियों का लड़का हो
तो हमारा जोड़ा बहुत सुंदर रहेगा। हे भगवान होई छत्री सुत तो पति ने बनाऊंगी, सेवा करू मितन मन धन से पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। आज ये विचार करती हुई जिस वक्त सावित्री सत्वान के पास पहुंची है और वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और नीचे खड़ी हो करके आज वो सावित्री कहने लगी है, अरे इस पेड़ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अरे जरा बोलो ना। अरे भाई तुम कौन हो? मैं बताऊंगी, लेकिन ऐसी कौन सी आपत्ति पड़ी तो तुम लकड़ियां काट रहे हो? तुम्हें नहीं पता? अरे कह कुमर बो धुमत सेन और से ब्या है मिहतारी, मेरा नाम सत्यवान है, मेरे पिता का नाम धुमतसेन है, मैया का नाम सेव्या है, और हम लकड़ी क्यों काट रहे हैं सुकुमारी बताएं? अरे कहे कुमार बो धुमतसेन और सेव्या मेरी मिहतारी, साली अब देशता राज मेरा सच कहीं सुकुमारी। महाराज पिता की आंखें फूटी गई, कर की चढ़ाई दुश्मन ने सब दौलत छीन लई, अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चलाते हैं, अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चलाते हैं। अरे हम गुजर चलाते हैं, अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चलाते हैं। जवाब दिया है, हमारे पिता का नाम धुमतसेन है, मेरी माँ का नाम सेव्या है, हम सत्यवान हैं, पिताजी से शासन जब छीन लिया अब तो यही लकड़ियों को काट करके मेरा गुजारा होता है। ये शब्द सुनने के बाद में सावित्री कहने लगी, तुम हमारे साथ विवाह कर लो। इतनी बात सुनकर के सावित्री की सब सखियां झुंझला के बोली, ओरी नादान का तेरी बुद्धि खराब है गई है, अरे इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पर तू बाबरी हुई गई। सावित्री ने कहा, सहेलियों तुम्हें क्या मतलब मैं अपना विवाह उन्हीं के साथ करना चाहती हूँ? तो सत्यवान कहने लगे हैं, सुनो। तब बेटा ने कही मान ले सही के राजकुमारी, अब काट लकड़ियां बेच बेच के होवे गुजर हमारी। हमारे साथ तुम्हारा जीवन यापन नहीं होगा, अरे हम मजदूरी करते हैं, लकड़ियां काट के पेट पालते हैं, इसलिए सुनो। तुम ढूंढा कोई और सुर सुर मोर बड़ो बलदाई मेरे संग में होई जीवन की बर्बादी, मेरे संग में होई जीवन की बर्बादी। ध्यान रखना भैया, जिस समय ये कहा कि तुम हमारे साथ में विवाह नहीं कर सकती,
अरे तू ढोंग बनाने के लिए क्यों आई है, यहाँ से चली जा। क्या तू मेरी हंसी बनाने के लिए आई है? सावित्री बोली, नाना ना परदेसी, मेरी एक बात सुनो। और हाथ जोड़ के वो क्या बोली, ककर जोरे के दिया बतलाई है, क्यों हमको राय ठुकराई है। और पे तबीयत नाई है, तुम लियो हमें अपनाई है। कहने लगे, अगर तुम नहीं मानती हो मात मेरी जो कही दे दे, तब हम करेंगे पूरी आसमात। मेरी जो कही दे दे, तब हम करेंगे पूरी आस। जाओ तुम मात मेरी के पास, जोड़ के करियो तुम अरदास, ब्याह तेरे संग कर ले दे, तब हम करेंगे पूरी आस। जवाब दिया, हमारी माँ तुम्हारी इस बात पर राजी हो जाएं तो विवाह कर लेंगे। आज भक्तों इतने वचन सुन करके सावित्री वहां से चली और सत्वान की माँ सैव्या के पास में पहुंची। हाथ जोड़ करके बोली, माँ तुम अपने पुत्र के साथ में मेरी शादी कर लो। जवाब दिया, बेटी तुम्हें नहीं पता हम वन में रह करके गुजर चला रहे हैं झोंपड़ी डाल करके, तुम राजाओं की बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। जब नहीं मानी सावित्री तो भक्तों आज कह दिया सैव्या ने, जाओ हमारे सत्वान के साथ तुम शादी कर लेना। तो वहां से चली है आज सावित्री पुनः रथ में बैठ करके। अरे धीरज आई गौ बिटिया को नभ के माँ को करी जुहारी, और बैठ गई फिर रथ में जाए के नाई पलकी करी अवारी। ठीक सावित्री जब पहुंची तुरंत महल में पहुंची आई जाए, खबर फैल गई सब कसबा में के आई गई सावित्री सुकुमारी। अरे गोद बिठाई लई रे मैया ने सब पूछी बात समारी, और बाई समय के कछुयर सामे नारद द्वार पहुंची आई। भक्तों सावित्री पहुंची है, तब तक बाबा नारद भी आ गए तो गोद में बैठा लिया। महाराज अस्पति कहने लगे, बेटी सावित्री तुम अपना वर तलाश करके आ गई। हाँ पिताजी। वो कौन है? पिताजी तुम्हें नहीं पता, वो बहुत सुंदर है जिनका नाम सत्यवान है और जिनके पिता का नाम धूमतसेन है। नारद बाबा कहने लगे, नारायण नारायण, अरे बेटी तू सत्यवान को अपना पति बनाना चाहती है, तुझे नहीं पता? अरे उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तू जिसे अपना पति बनाना चाह रही है उसकी उम्र केवल 1 वर्ष की है। जो ही महाराज अशुपति ने सुना एकदम खोपड़े को पकड़ के बैठ गए, क्या करूं। और कहने लगे, बेटी ये तू क्या कर रही है, ये शादी मत कर। तो सावित्री कहने लगी, पिताजी तुम्हें नहीं पता किसी की किस्मत पर किसी का जोड़ नहीं होता, मैं सत्यवान के साथ अपनी शादी रचाऊंगी। जब सावित्री ना मानी
तो भक्तों विधि विधान से सत्यवान सावित्री की शादी वही। और विदा करते समय मैया ने कहा, बेटी एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे पति की उम्र केवल 1 वर्ष की है। आज भक्तों सावित्री जब उस घने बियाबान जंगल में आ गई, व्रत करती रही, भजन करती रही अपने पति का। जब वो दिन आया तो सत्यवान लकड़ियों को काटने के लिए कुढ़ाली लेकर के चले हैं, तो सावित्री बोली, साजन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान कहने लगे, अरे जिद मती ठाने रानी बात कछु मान ले, और तेरो पति साथ तेरे जे ही बात जान ले, पति को लगाई लो रे बातन में रसी, ले लई हाथन में रसी। आज मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अगर नहीं मानती हो तो चलो। आज रस्सी को हाथ में ले लिया, सत्यवान सावित्री दोनों बियाबान जंगल में पहुंचे। अरे चढ़ी गयो पेड़, अरे चढ़ी गयो पेड़ बेटा लकड़ी दो डारी है, और बीन बीन पेड़ रखे सावित्री सुकुमारी है। सुस्ती आई गई सब तन में रसी, ले लई हाथन में। दोस्तों बियाबान जंगल में पहुंचे, सत्यवान जो थे लकड़ियों को काट करके गिरा रहे हैं। कुछ देर के बाद भक्तों एकदम सत्यवान कहने लगे, सावित्री खोपड़े में बहुत तेज पीर हो रही है, आज नीचे उतर आते हैं। तो सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया, आज अपने पति की तरफ निहार करके बुरी तरह से रोने लगी। कुछ देर के बाद भक्तों सत्यवान के जब प्राण निकल जाते हैं, तो आज सावित्री अपने सैया की लाश धर के रोने लगी है उस बियाबान जंगल में। अरे धरी सैया की लाश, नारी जब गैया सी ढकराई रे, ये तुम्हें क्या हुआ। अरे दरसैया की अला सनार जब गैया सी डकराई रे, और बिन पतन को पेड़ सजन जाकी छाया नहीं लखी पाई रे। लकड़िया अरे गरीबी में हमने गुजर चलाई रे, नजरी उठी जब बेटी की तब लखिलई एक परछाई रे। ध्यान रखना दोस्तों, सावित्री जब रो रही है, नजर उठा के देखा तो सामने से उन्होंने देखा कि एक परछाई नजर आई। वो परछाई स्वयं यमराज आज भैंसा पर सवार होकर के, और जैसे ही सत्यवान के प्राण निकाल करके चले हैं, एक नजर उठा के सावित्री ने अपने पति को देखा, उसके बाद परछाई की तरफ निगाह डाली, तो वो सावित्री परछाई के पीछे पीछे अपने पति के चरणों का ध्यान करके चली। जब पतिव्रता पीछे पीछे जाने लगी,
यमराज ने आगे चल के मुड़ के देखा। यमराज देखने लगे मेरे पीछे कौन आ रही है। अरे संग जाई रही नारी, बचन उच्चारी कही तब बानी। बोले हे धर्मराज, तू पीछे लौट जा लली क्यों मति बोरानी। यमराज कहने लगे, बेटी लौट जा, क्या तू बाबरी हो गई है। संग जाई रही नारी, बचन उच्चारी कही तब बानी। तू पीछे लौट जा लली क्यों मति बोरानी। आप कौन हो। अरे तुझे नहीं पता, हम यमराज हैं और तेरे पति के प्राण लेकर के जा रहे हैं। लौट जा सावित्री। तेरा पति तो यब ना रहो, हमारो भयो के सुन ले रानी। सुन के तनी बात नारी घबरानी। यमराज ने जवाब दिया, बेटी आज तक ये तेरा पति रहा था, अब ये हमारा हो चुका, इसलिए तुम लौट जाओ। तुम्हारे पति की केवल उम्र आज तक की थी, आज हम इसके प्राण लेकर के जा रहे हैं। आज भक्तों, सावित्री कहने लगी, श्रीमन पति के अलावा पत्नी का संसार में कोई नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, मैं बिना पति के कैसे रह सकती हूँ। यमराज ने जवाब दिया, बेटी वो तो हम भी जानते हैं कि बिना पति के तुम नहीं रह सकती। पति फिरे परदेश में, पावे कष्टी अपार। नारी जो घर में रहे, बाको जीवन है धिक्कार। पति अगर परदेश में है, मुसीबत उठाता है, स्त्री अगर घर में आनंद उड़ाती है, तो उसके लिए जिंदा नरक है। तुम पीछे लौट जाओ सावित्री। जवाब दिया, श्रीमन अगर पत्नी का यह कर्तव्य है कि दुख सुख में पति का साथ नहीं छोड़े, तो मैं अपने पति को छोड़ कर के कैसे जा सकती हूं। यमराज ने बहुत समझाया, बेटी चली जा। नहीं 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 जाऊंगी, मैं अपने साजन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। यमराज कहने लगे, अगर तू नहीं जाना चाहती है तो वरदान मांग ले। वरदान की बात कही तो सावित्री समझाए के का बोली, अगर तुम वरदान देते हो तो सुनो। अरे होई बेटा ये कबलकारी, यमराज नहीं समझ पाए सावित्री की चाल और बोली, अरे कबेटा होई औतारी, पति के बिंदु से होई बलकारी। कहने लगी है, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो मेरे पति के बिंद से मेरे पुत्र पैदा हो। कितने 100 पुत्र पैदा हो। यमराज नहीं समझ पाए, जवाब दिया, जा वरदान देते ही पुत्र वती भव, स्वाग वती भव। आहा, और कहा बोली सावित्री, सुनो। और बर दूजो सुन लेना, ससुर के खुल जाए दो नैना।
सोच यही दिल में भारी मेटे मेटे ना विधि की बात आज सावित्री ने कहा कि मेरे पति के बिंदु से मेरे पुत्र पैदा हो और हमारे ससुर जो धुमत्सेन है उनके नेत्र ठीक हो जाएं और हमारा पुनः राज वापस आ जाए। जैसे ही भैया इतनी बात कही एवं मस्तु कह दिया यमराज ने तो सावित्री कहा बोली महाराज तुमने वरदान दे दिया बिना पति के बेटा न होवे। सुन ले मेरी बात चितलाई अरे सुनी बात जब यम जो राज ने धक्का लगो है कलेजा जाए जवाब दिया महाराज तुमने वरदान दे दिया लेकिन बिना पति के मेरे पुत्र कैसे पैदा होगा। यमराज कहने लगे बेटी ये क्या हुआ आज तूने मेरा हृदय जीत लिया मैं तेरी चाल नहीं समझ पाया जा हमने तेरा पति लौटा दिया तेरे पति के प्राण वापस कर दिए जाकर के देख। ललित तेरी बात न मैं आयो पति तेरो हमने लौटायो अरे सदा तुम रहो सुकारी मिटे ना विधि की बात धन्य है सावित्री आज अपने पति व्रत धर्म से यमराज से पति के प्राण लौटा रही है। सभा में गाय के कहत विशेष पति की सेवा करो हमेशा सुनो माँ बहनी हमारी मेटे मेटे ना विधि की बात सती सावित्री ठाड़ी मेटे मेटे ना विधि की बात ध्यान रखना दोस्तों यमराज तो आगे बढ़ गए और सावित्री पीछे लौट आई आकर के देखा तो उसका पति जिंदा है। आज दोस्तों जब सत्यवान जीवित हो गए तो सावित्री सत्यवान को लेकर के जैसे ही अपनी झोंपड़ी के पास आए हैं तो धुमत्सेन के नेत्र भी ठीक हो गए और भगवान की ऐसी कृपा उस वरदान से उनका राज दोबारा मिल गया।